तो भैया जी की दुकान पर यह वाला माइक ले लिया और काफ़ी सारे यहाँ पर ट्राईपॉड हैं और भैया की दुकान पर का नहीं है और ये सिर्फ 600 रुपए का है। इसको हम बुल्लू बाजार की रोड पर देखे है सुपरमार्केट जो कि मुरादाबाद। मैंने यहाँ पे 20-25 दुकानें देख ली गाइस, नहीं कोई माइक मिल रहा है, नहीं कोई ट्राईपॉड मिल रहा है। इसलिए खरीद लिया है बनबन बोया का माइक जो कि अच्छा चलता है और इसके हम घर करेंगे। ये ट्राईपॉड है लेकिन इसका जो ट्राईपॉड होता है ना गाइस वो नहीं मिल रहा है, जो ये फंसेगा। इसका जो माइक होता है ये वाला, ये गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम टू न्यू ब्लॉग। गाइस आज मैं जा रहा हूँ बुद्ध बाजार, यानी कि अपना एक ट्राईपॉड लेने, यूट्यूब का सेटअप लेने, यानी कि ब्लॉगिंग सेटअप एक मस्त है। और मैं अभी निकल चुका हूँ अपने रूम से और रूम से निकलने के बाद फिर हम जाते हैं बुद्ध बाजार सुपर मार्केट। आज है संडे वैसे तो बुद्ध बाजार, और नहीं मेरे पास कोई माइक है और नहीं कोई मेरे पास अच्छा सा कोई ट्राईपॉड है, ओनली सिर्फ एक बस फोन है। और मैं जा रहा हूँ मोबाइल लेने और ट्राईपॉड लेने, बाकी बने रहिए एंड वीडियो। बस मैं आ चुका हूँ बुद्ध बाजार की रोड पर, देखिए आप सब बुद्ध बाजार ही है, जितना भी है बुद्ध बाजार। मैं आ चुका हूँ बुद्ध बाजार को और मैं सीधा चलता हूँ यहाँ से। तो गाइस ये है सुपरमार्केट जो कि मुरादाबाद के नंबर वन एरिया में, और आप इसका एरिया भी देख सकते हो, इतना काफ़ी ज़्यादा लोग हैं। और ये हम इसके अंदर चलते हैं, अभी देखते हैं कौन सा ट्राईपॉड लेना है, कौन सा माइक लेना है। और काफ़ी सारी भीड़ है यहाँ पर आज, तो वैसे भी मतलब दिन भी कम है और आज संडे है, वैसे भी फिर लेंगे। देखते हैं कौन सा ट्राईपॉड लेना है हमें, उसके बाद फिर हम स्टार्ट करेंगे। तो भैया अभी ये वाला माइक लिया मैंने और अभी इसकी ऑफिसिंग करते हैं, अभी कैसे कैसे होगा, घर जा ले जाते हैं अभी वैसे ये जो। तो भैया जी की दुकान पर यह वाला माइक ले लिया और काफ़ी सारे यहाँ पर ट्राईपॉड हैं और भैया की दुकान का नंबर यहाँ पर मिल जाएगा आपको। और काफ़ी सारी चीज़ें हैं तो दिखा दें, अभी ये है मेरे पास, बीए लेने की सोच रहे हैं लेकिन इसके ऊपर जो माइक लगता है वो नहीं लगेगा यहाँ पर, तो अभी इसका देखते हैं। मैंने यहाँ पे 20-25 दुकानें देख ली गाइस, नहीं कोई माइक मिल रहा है, नहीं कोई ट्राईपॉड मिल रहा है। और माइक मिला भी तो M1 बोया का, तो वो बहुत महंगा था गाइस, 1300-1200 रुपये का था। लेकिन अब देखते हैं क्या होता है आगे चल के और बताते हैं। तो ये मेरे पास ट्राईपॉड लिया, इसके अपने घर कर जाते हैं। तो यार भैया जी की दुकान में बैठा हूँ और गर्मी बहुत ही ज़्यादा लग रही है, और मैंने लिए खरीद लिया है बनबन बोया का माइक जो कि अच्छा चलता है और इसके अपने घर करेंगे। ये ट्राईपॉड है लेकिन इसका जो ट्राईपॉड होता है ना गाइस वो नहीं मिल रहा है, जो ये फंसेगा। इसका जो माइक होता है ये वाला, ये जो फंसेगा ये नहीं मिल रहा है भाई, बाकी सब मिल रहा है। अभी देखते हैं और क्या होता है आगे जान के, और देखते हैं और दुकानों पे लेकिन इधर नहीं होता। तो गाइस जो मेरे को ट्राईपॉड लेना था वो तो इस सुपर मार्केट में नहीं मिला यार, बहुत मतलब सुपर मार्केट के लोग नाम बड़े बड़े बताते हैं लेकिन इसमें का जो पता है ये वाला, जो इसमें का जो माइक है इसमें का फंसने का तो मिला ही नहीं यार, वो ट्राईपॉड नहीं मिला। और वो ऑनलाइन पे देखा था मैंने, जब ही उसके ऊपर माइक लगेगा और ना तो माइक ही कहाँ लगेगा, फिर इसलिए मिला ही नहीं वो मिला ही नहीं, ट्राईपॉड नहीं मिला मुझे को। तो आप क्या करना है, इनकी ऑप्शन करते हैं और ये ट्राईपॉड है और वो ऑनलाइन मंगाते हैं। तो मैं आ चुका हूँ अभी बुद्ध बाजार के गेट पर ही खास, तो निकल चुका हूँ अभी और देख लेता हूँ ऑनलाइन मिलेगा तो ऑनलाइन। आते भैया से मैंने कह दिया बुला देंगे वो पहली तारीख पर। तो गाइस ये वाला जो माइक है मैं वापस करने जा रहा हूँ, क्योंकि ये 1200 रुपये का नहीं है और ये सिर्फ 600 रुपये का है। ये कॉपी है गाइस और ये ब्लॉगिंग में सही नहीं रहेगा। मैंने अपने दोस्त से पूछी थी, यूट्यूबर है वो भी ब्लॉगिंग, उन्होंने मेरे फोटो का आप किया तो मैंने ये बताया कि कह रहा था नो कल है भाई, ये ज़्यादा नहीं चलेगा। तो मैं वापस करने जा रहा हूँ, देखते हैं भैया वापस करते हैं नहीं करते। 600 रुपये का वो कह रहा पागल हो गया, 600 रुपये और डाल के और 1200 रुपये का ऑनलाइन मंगा अच्छा खासा आएगा, तो देखता हूँ मैं वापस करते हैं। 600 रुपये का था वो, 600 रुपये का लिया था ना मैंने। अच्छा 1000 रुपये का पड़ेगा वो, ठीक है। तो हेलो दोस्तों, ये वाले जो भैया देख रहे हो आप, जिनने 1000 रुपये प्राइस बोला है गाइस, मैंने एक बोया का माइक लिया था बनबन जिसकी कीमत 1200 रुपये थी, लेकिन इन दूसरे वाले इनके भैया ने मुझे 600 रुपये में दे दिया था, तो मैं वापस करने गया। और गाइस मेरे साथ बाद इन बहुत ही मतलब अच्छा भी हुआ और फिर बुरा भी हुआ, फिर मेरे को कोई अच्छा माइक ही नहीं मिला। तो अब आगे का वीडियो देख रहा हूँ जरूर आप लोग, तो देखते हैं कैसा होता है मेरे शहर में। तो भाई जो भैया जी का माइक था वो 600 रुपये में दिया था, क्योंकि वो भैया जी की दुकान दूसरी थी और जो भैया जी थे वो दूसरे भैया जी के, जिसे माइकों के बारे में नॉलेज नहीं थी, जो दूसरे वाले भैया थे उन्होंने 600 रुपये का मैं वापस करने गया। मैंने कहा मुझे लग रहा है ये नोकल है, लेकिन गाइस आपको एक मैं चीज़ बता दूँ कि आप कोई नोकल चीज़ ले रहे हो तो अच्छी बात है, लेकिन आप ओनली ले रहे हो तो भी अच्छी बात है, लेकिन मैं तो उसे नोकल समझ के वापस कर आया गाइस 600 रुपये में। लेकिन भैया ने बताया कि ये नोकल नहीं है, ये ओरिजिनल माइक है गाइस 600 रुपये में। मैं भी तो सोच रहा था ये नोकल है, 600 रुपये में नहीं गाइस, ओरिजिनल भैया ने दिया था 1200 रुपये में। वो 1200 रुपये का भैया का रेट था, मेरे लिए 200 रुपये घटा देते जिससे क्या मैं कर पाऊँ। और गाइस अगर वो माइक का टोटल गाइस अगर उस माइक की बात करी जाए तो वो माइक था सिर्फ दो, मेरे को 600 रुपये में दिया था जो दूसरे वाले भैया थे, ये दो दुकानदार थे एक ही दुकान में रहते थे, जिससे कि मेरा 600 रुपये का भैया का नुकसान का फ़ायदा बच गया।
क्योंकि मैंने 600 रुपये का लिया था, वो भैया को पता नहीं था, तो दूसरा वाला भैया ने मैं वापस करने गया। मैं वापस क्यों करने गया, क्योंकि मुझे पता था 600 रुपये का तो ये मिलेगा नहीं, ऑनलाइन ही आ रहा, इसलिए भैया जी ने मेरे को 600 रुपये का नहीं दिया। तो मेरे पास कभी ट्राईपॉड है गाइस, अगर आपको भी कहीं पर अगर कोई दुकानदार अगर ऐसा करे तो आपको भी नहीं करना है गाइस। और इस टाइम मैं हूँ अभी सुपरमार्केट में, देख सकते हो आप सुपरमार्केट गाइस। अगर आपको भी ऐसा हो तो गाइस, अगर किसी को भैया भूल गए हो पैसे या कुछ मतलब कहीं दुकान पर धोखा फोका हो जाता है, तो आपको भी इस तरीके से नहीं करना है यार, किसी को भैया के पैसे नहीं देने हैं। तो भाई ये तो अपने चीज़ हो गया, मेरा ही दिल खुश हो गया। और भैया जी ने एकदम हाथ में पकड़ा गाइस, मैं आपको वीडियो भी दिखा दूंगा, क्लिप भी दिखा दूंगा, वो बुद्ध बिहार की वीडियो थी, क्योंकि दूसरे भैया ने दे रहा था गाइस। और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर देना गाइस। और यार 600 रुपये का भैया का फ़ायदा हुआ है, तो 600 रुपये का फ़ायदा भैया ने 100 से 200 रुपये मेरे लिए घटा दिए थे, अरे आपके 200 रुपये का हो जाएगा ओनली, 200 रुपये आपके घटे जाएंगे और आपका ओनली हो जाएगा 600 रुपये, मतलब 1000 रुपये का हो जाएगा। तो वो 1200 रुपये का भैया बेचते थे, दूसरे वाले भैया ने मेरे को 600 रुपये का दे दिया था। अब मुझे लग रहा था कि ये नोकल है गाइस, और मैं तो चले गया उसे लेके, मेरी बुद्धि भी ऐसी थी, लेकिन बट मैं फ़ायदा करने गया था। मेरे को किसी दुकानदार ने बताया था भाई ये नोकल नहीं है, ये वापस करिए दूसरे वाले को, तो मैं वापस कर आया भाई। वो बता रहे थे ओन इंजल माई के भाई ये, और इसे वापस कर आओ, और आपको भाई वो दुकानदार है मतलब रोजी रोटी चलती है, तो यार मैं भी उसकी रोजी, और मैं तो एक यूट्यूबर हूँ यार गाइस, और मैं किसी का फ़ायदा नहीं करूँगा, तो मेरा फ़ायदा कौन करेगा, मेरा चैनल को कौन सब्सक्राइब करेगा। तो उसके बाद मैंने करा और उसे दिया था मैंने, और फिर उसका भी भैया का 600 रुपये का फ़ायदा हो गया। और भाई मैं हूँ इस टाइम अभी रोड पर बुद्ध बाज़ार के, तो मैं काफ़ी ज़्यादा पसीना गया है, मैं 10 बजे घर से निकला हूँ और मैंने एक बूंद पानी भी नहीं पिया है। हाँ गाइस, और ये सच्ची ब्लॉगर का स्ट्राइक आउट है, तो मैं माइक लेने वाला हूँ, जो भी लेने वाला हूँ। तो गाइस आज की वीडियो देखते रहिए, और मैं कौन सा माइक लेने वाला हूँ, तो ये 600 रुपये का भैया को फ़ायदा हुआ। गाइस भैया जी ने ये बोला था कि अगर और होते तो भाई वो तो ले जाता 600 रुपये का, 600 रुपये का ले जाता भाई वो, और होता तो, और 600 रुपये का मतलब मार्ट तो ले जाता वो, तो कह रहे थे यार आप बहुत अच्छे इंसान हो, आपने मेरे को कर दिया। और वीडियो का क्लिप भी दिखाऊंगा मैं आपको, भैया जी की खुशी देख लो, और जिस पर एक गर्ल स्थिति भी थी वो भी मतलब थोड़ी ऐसी थी जिससे माइक के बारे में जानकारी नहीं थी, तो मैं भी थोड़ा ऐसा ही था जिसके माइक बारे में जानकारी नहीं थी, तो मैं दिखाऊंगा। तो गाइस मैंने पूरा सपना सेटअप ले लिया है, और यह है मेरे पास जो कि थैला है, और काफ़ी मेजिंग है जो कि मेरे पास एक ही लगा पड़ा है, ये काफ़ी अच्छा मिला है मेरे को, और देखते हैं बाकी क्या होता है आगे की। और इसकी जो लेंथ ना गाइस वो बहुत अच्छी मिली है, ये देखिए अगर मैं अपना थोड़ा सा मोबाइल अगर रिमूव कर दूँगा तो आप इतना बड़ा होटे बना सकते हो, आप इतने बड़े में बना सकते हो, देखते हैं इसके लिए ट्राईपॉड है, ये बहुत अच्छा ट्राईपॉड है, अगर आप देखने चाहते हो इतनी भी लंबी आप बना सकते हो, और इसकी यही खास बात है। और मैं उस टाइम बुद्ध बाज़ार के सुपर मार्केट में, यानी कि अब मैं जा रहा हूँ अपने रूम पर, और रूम पर जाने के बाद गाइस ये है लेंथ, और इस लेंथ को हम कम भी कर सकते हैं, और थोड़ा सा हमें थोड़ा सा परेशानी पड़ेगी अपने माल को इस तरीके करने में, वो हो जाता है दोस्त के वीडियो तो बनाता जा रहा हूँ, कभी पब्लिक एरिया ज़्यादा है। और मैं इसकी जो आवाज़ है जो है मेरे पास आप देख सकते हो, इसकी मैं वॉइस थोड़ी चेक कर रहा हूँ पब्लिक एरिया में कैसी रहेगी, फिर उसके बाद हम ब्लॉग स्टार्ट करेंगे। और मैं आ चुका हूँ अभी हिंदू कॉलेज जो कि मुरादाबाद में नंबर वन हिंदू कॉलेज है, जी हाँ गाइस। और ये जो ब्लूटूथ का है गाइस ये काफ़ी अच्छा मिला है, लेकिन मेरे को और भी लेना था, और तो चलता हूँ मैं अभी आगे और आपको भी दिखाता हूँ, काफ़ी काफ़ी अच्छी अच्छी सारी चीज़ें होंगी तो दिखाता हूँ मैं। और काफ़ी सारे लोग हंसते हैं यार, हंसने दो है, ये तो शुरुआत हुई है अभी गाइस, यहाँ चलेगा मुरादाबाद में नाम कैब सच्ची ब्लॉगर चलेगा अभी, अभी रुक कर चलेगा भाई बढ़िया, तो देखते हैं यार अभी सारे काफ़ी सारे लोग मिल रहे हैं। और अभी चैनल का नाम तो रख दिया, वैसे मैंने अभी चैनल का नाम ही नहीं बताया, तो और अभी एक भैया की दुकान हो और देखते हैं कैसा आता है इसमें कॉइंस। तो गाइस मैं आ चुका हूँ अपने रूम पर, और कल इसकी वॉइसिंग करेंगे, थैला इसमें है, एक ट्राईपॉड और एक माइक है जो कि ब्लूटूथ से कनेक्टेड होता है, उसके बारे में अभी बताएंगे, तो जब तक के लिए बाय दोस्तों।